कि आपको मोहब्बत के सिलसिले में अपने लवर से पूछना चाहिए। इस वीडियो के सवालात के जवाब देने के बाद आप ये जान सकेंगे कि क्या आपको अपने लवर से ये पूछना चाहिए या नहीं कि वो आपसे मोहब्बत करता है। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तरीका यह है कि आपसे 10 सवाल किए जाएंगे। हर सवाल के 4 ऑप्शन हैं, कोई एक सिलेक्ट करना है। सवाल का जवाब देने में देर लगे तो वीडियो को रोक लें। जवाब ईमानदारी से देने हैं और जवाब देने के बाद बदलना नहीं है, वरना रिजल्ट दुरुस्त नहीं आएगा। तो आए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, जब आप बीमार हो जाते हैं तो उस वक्त आपका लवर आपसे क्या कहता है? ए, मुझे उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएगा। बी, फिक्र ना करो मैं तुम्हारे पास हूँ। सी, यार क्या हर वक्त बीमार होते रहते हो या रहती हो। डी, तुम्हें जब मेरी ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। सवाल नंबर 2, क्या आपके लवर को आपका एहसास आपकी फिक्र है? ए, हाँ बिल्कुल। बी, मुझे ठीक से नहीं पता। सी, हाँ मुझे लगता तो है कि उसे मेरी फिक्र है। डी, बिल्कुल नहीं। सवाल नंबर 3, क्या वो आपके ख्याल में किसी और के चक्कर में भी है? ए, मुझे ठीक से नहीं पता। बी, अभी वो मुझसे बात नहीं करता या करती, इसलिए मुझे नहीं पता। सी, नहीं वो अकेला है या अकेली है। डी, हाँ मंगनी हो गई है या शादी हो गई है। सवाल नंबर 4, क्या आपने उससे दिल की बात की कि आप उससे मोहब्बत करते हैं? ए, मैं इसके लिए कब से प्लानिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बी, नहीं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। सी, अभी तो नहीं की, कल कोशिश करूँगा या करूँगी। डी, हाँ करूँगा या करूँगी इस वीडियो का रिजल्ट देखने के बाद। सवाल नंबर 5, आप दोनों अपनी सीक्रेट बातें एक दूसरे से करते हैं? ए, बिल्कुल नहीं। बी, नहीं हम कम बातें करते हैं। सी, हाँ बिल्कुल। डी, थोड़ी बहुत। सवाल नंबर 6, क्या वो आपकी आंखों में झांकता है या झांकती है? ए, हाँ कभी कभी। बी, हाँ लेकिन छुप के। सी, मेरे ख्याल से नहीं। डी, हाँ हर वक्त। सवाल नंबर 7, अगर कोई आपके सामने आपके लवर का नाम ले तो आप कैसा महसूस करते हैं? ए, मैं मुस्कुरा देता हूँ या मुस्कुरा देती हूँ। बी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सी, मुझे हौसला मिलता है। डी, कुछ खास महसूस नहीं होता। सवाल नंबर 8, वो आपके साथ ऐसा क्या करता है या करती है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? ए, कुछ भी नहीं। बी, जब वो गले लगाता है या लगाती है।
सी जब वो कुछ खिलाता है या खिलाती है। डी मुझे जब वो प्यार करता है। सवाल नंबर 9, क्या आप दोनों में कोई बात कॉमन है? ए मुझे नहीं पता। बी नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सी हाँ बहुत सी बातें। डी हाँ लेकिन उसे नहीं पता। सवाल नंबर 10, क्या वो बात में, कॉल में और टेक्स्ट में हमेशा पहल करता है? ए हाँ बिल्कुल। बी 50-50 कोई भी कर लेता है। सी हम बात ही नहीं करते। डी नहीं, मैं पहले बात करता या करती हूँ। अब आप टोटल कर ले। रिजल्ट्स, अगर आपके पॉइंट 0 और 60 के बीच है तो हालात आपके मुखालिफ हैं और आप सिर्फ दोस्त हैं, इसलिए अभी आपको उससे कोई सवाल नहीं करना चाहिए, वरना मुमकिन है कि आप दोस्ती से भी जाएं या वो बात ना रहे जो पहले थी। अगर आपको उससे मोहब्बत के बारे में पूछना है तो पहले उसके दिल में अपनी जगह बनाएं। अगर आपके पॉइंट 70 और 150 के बीच है तो आपको भी अभी नहीं पूछना चाहिए कि मोहब्बत है या नहीं, क्योंकि अभी बात कुछ मशकूक है, कंफर्म नहीं है कि वो आपको चाहता भी है या नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका ख्याल रखें, उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उस पर मुकम्मल तवज्जो दें ताकि उसके दिल को जीता जा सके। यही वो तरीका है कि आप उसको अपने करीब ला सकते हैं। अगर आपके पॉइंट्स 160 और 230 के बीच है तो आप ट्राई कर सकते हैं ये पूछने की कि क्या आपको मुझसे मोहब्बत है। जाहिर है ये मुश्किल काम है पर करना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं और आपको भी ऐसा यकीनी तौर पर लग रहा है कि वहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है, इसलिए गुड लक। अगर आपके पॉइंट 240 और 300 के बीच है तो ज़रूर उससे दिल की बात करें और देर ना करें, क्योंकि जिस तरह आप उससे मोहब्बत करते हैं वो भी आपसे ऐसे ही मोहब्बत करता है या करती है। ये ग्रीन सिग्नल है कि दोनों के बीच सिर्फ इतना फासला है कि किसी एक को दूसरे से सिर्फ इजहार की ज़रूरत है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ही होता है हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।